In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Dear students, assalamu alaikum. I hope you will be fine. Today is our lecture number 34. Subjects are our maths or topic is subtraction. Unit number 8 has ki aaj hum exercise number 3 aur 4 karenge. Aap logon ne page number apna open karna hai 65 page number hai. ये है एक्सरसाइज नंबर 3. अगर आप 64 पे जाएं, उन्होंने कहा है ड्रा पिक्चर्स एंड सबट्रैक्ट. अंदर सर्कल ड्रा करें जितने अमाउंट में दिए गए. लाइक 9 है, पहले 9 है तो 9 हम लोगों ने सर्कल बनाए, बाकी कितने कट करने के लिए दिए गए हैं 5 है तो 5 कट कर दिए, बाकी जितने सर्कल कट के बिना बाजेंगे वो इधर लिखने के. इसी तरह हम लोगों के पास अमाउंट है 8-3 पार्ट ए है. 8-3 अमाउंट है, ये देखें ये अमाउंट आपके लिखी हुई है 8-3 है और हम लोगों ने क्या करना है 8 सर्कल बनाने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 सर्कल बना लिए, कट कितने करने हैं 1, 2, 3 3 कट कर लिए. 8 थे, 8 सर्कल बनाए, 3 को कट करना है तो 3 कट कर दी. अब देखें कि कितने बच गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 5 इधर हम लोगों ने लिख देना है. 8 था, 8 हम लोगों ने सर्कल बनाए, 3 आगे था, 3 हम लोगों ने कट कर दी, बाकी जितने बचे वो इधर लिख लिए. अब पार्ट बी है हमारे पास 10-4. ये बहुत इजी है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक पार्ट समझ के ही समझ आ गई होगी और बाकी आप लोगों ने एक्सरसाइज कर लेनी है. लेकिन फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए मैं पार्ट बी भी समझा रही हूँ. 10 है तो हम लोगों ने 10 सर्कल बनाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. तो कट कितने करने हैं 4. ये देखें पहली अमाउंट है उतने बनाने हैं सर्कल, दूसरी अमाउंट है उतने कट कर देने हैं, 4 कट करने 1, 2, 3, 4. अब देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने बच गए 6. ये हम लोगों ने इधर 6 लिख दिया. ये हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट होगी. इसके 4 क्वेश्चन है टोटल, 4 पार्ट है. 4 पार्ट में से 2 पार्ट मैंने आपको कर दिए हैं, 2 रह गए हैं सी और डी. कि आप लोगों ने पहले वाले को समझ के पार्ट ए और बी को समझ के पार्ट डी और ई करना है. नेक्स्ट हमारे पास 66 पेज है, एक्सरसाइज नंबर 4 है. ये देख सकते हैं आप एक्सरसाइज नंबर 4 है, ऊपर एग्जांपल लिखी हुई है 9-4 है. स्टेप 1 क्या है, ड्रा 9 बॉक्सेस. पहले 9 बॉक्सेस ड्रा करने हैं. सबसे पहला स्टेप कौन सा है, 9 बॉक्सेस ड्रा किए. स्टेप 2 पे राइट 1 to 9 इन द बॉक्सेस. फिर 1 से 9 तक आप लोगों ने उसके अंदर डिजिट फॉर्म में लिखना है. स्टेप 3 क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 9 से मींस बैकवर्ड से स्टार्ट करें, कट आउट 4 बॉक्सेस. इधर ये 4 दिया हुआ है, 4 बॉक्सेस को कट किया बाय काउंटिंग, काउंट करके इन्हें गिन के बैकवर्ड से काउंट करना है. जितनी अमाउंट दी गई है उतने आप लोगों ने कट कर देने हैं. यू आर लेफ्ट विद 5 बॉक्सेस, सो 9-4=5. जब आप लोगों ने 9 बॉक्सेस ड्रा किए, अमाउंट है आपके पास 9 बॉक्सेस ड्रा किए, फिर 1 से 9 तक आप लोगों ने नंबर लिखे. अब वो कह रहे हैं 4 को काट करना है, तो आपने 9 से बैकवर्ड जाना है और 4 काट करने हैं. जितने आपके पास बच जाएंगे वो आप लोगों ने लिख देने हैं इधर साइड पे. तो 9-4 है तो इसमें से 9 में से 4 को आपने कट किया तो कितने बच गए 5, तो 5 इक्वल हो जाएगा. अब हमारे पास अमाउंट है एक्सरसाइज नंबर 4 में पार्ट ए में 8-5. 8 बॉक्सेस बनाए, सबसे पहले काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 बॉक्सेस बनाए, हमने काउंटिंग लिख ली है 1 से 8 तक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये हम लोगों ने 8 तक अपनी काउंटिंग लिख ली है. 8 तक काउंटिंग लिख ली क्योंकि उन्होंने 8 तक लिखा है. अब उन्होंने कहा था कि आपने बैकवर्ड से स्टार्ट करना है कट करना, इधर से नहीं, ये तो बिल्कुल फ्रंट से फॉरवर्ड हो जाएगा. उन्होंने कहा है कि बैकवर्ड से स्टार्ट करना है, मींस कि इधर 8 है, 8 से स्टार्ट करना है. कितने कट करने हैं 5. 1, 2, 3, 4, 5.
कितने बज गए हैं? 1, 2, 3 बज गए हैं। कितने बज गए हैं? 3। ये देखिए आप लोगों ने 8 पहले बॉक्स बनाए, 1 से 8 तक लिखा, 8 तक नंबर लिख के फिर बैकवर्ड हम लोगों ने 5 को काट करना है, तो बाकी कितने बच गए? 3। अब ये 10 है, 10 बॉक्स बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 हम लोगों ने बॉक्स बनाए, 10 बॉक्स बना के 1 से 10 तक हम लोगों ने इधर नंबर लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हम लोगों ने 10 बना दिए। आप लोगों की बुक के ऊपर ब्लॉक तो पहले से ही बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं, लेकिन जितने नंबर दिए गए हैं वो नंबर आप लोगों ने खुद लिखने हैं। अब ये देखिए ये कह रहा है 3 को काट करना है, तो हमें फॉरवर्ड करना है या बैकवर्ड काट? जरा सोचिए, हाँ हमने फर्स्ट में फॉरवर्ड किया था या बैकवर्ड? हम लोगों ने बैकवर्ड किया था, तो कितने काट करने हैं? 3। 1, 2, 3 बाकी देख के आप डायरेक्ट आप लोगों को पता चल रहा है कि 7 बच गए हैं। ये दोनों एक्सरसाइज आप लोगों ने बहुत अच्छी अपनी बुक पे नोट करनी है और इसका रजिस्टर के ऊपर टेस्ट भी देना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।